भारत के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में मेहमान टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 164 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसका बचाव नहीं कर सके। इस हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान टीम साउदी काफी निराश नजर आए और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मैच के बाद टीम को मिली हार पर साउदी ने कहा, बल्लेबाजी में हम पर्याप्त रन नहीं बना सके, यही कारण है कि आखिर में गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो गया। हालांकि मैं टीम के प्रदर्शन से संतुष्ट हूं और अगले मैच में हमारी दमदार वापसी की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि मार्क चैपमैन ने उम्दा बल्लेबाजी की, लेकिन हम पर्याप्त रन नहीं बना सके। गेंदबाजों ने शुरुआत अपेक्षित नहीं रहने के बावजूद वापसी की और मैच को आखिरी ओवर तक ले गए, जो सकारात्मक बात है। इसके अलावा टीम साउदी टीम की फील्डिंग से भी निराश नजर आए और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ मैचों में हमारा प्रदर्शन फील्डिंग में शानदार रहा है, जो आज दोहरा नहीं सके। आपको बता दें कि दोनों टीमें सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए 19 नवंबर को रांची में एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। देखना होगा कि इस मुकाबले में जीत किसकी होती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।